हेलो फ्रेंड्स, सलमान खान का करियर 3.5 दशक से भी ज़्यादा रहा है। उन्हें 35 साल हो चुके हैं। आज के दिन ही उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। खुद अब उन्होंने इस मौके को फैंस के साथ सेलिब्रेट किया। आइए दिखाते हैं सलमान खान का वीडियो जिसमें उन्होंने अपने करियर की झलक दिखाई है। बॉलीवुड के मैंगो स्टार सलमान खान का बॉलीवुड का भाई कहा जाता है। उन्हें 35 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। इस खास मौके पर उन्होंने भी फैंस से मिल रहे ढेर सारे प्यार पर रिएक्ट किया। सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने 3.5 दशक की जर्नी को दिखाया है, जिसमें कोई शक नहीं है कि भाईजान के बदलते इंडियन सिनेमा को जिया है और खुद को भी ढाला है। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी पारिवारिक केंद्रित ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आदर्श बेटे और भाई की भूमिका निभाने की बात है तो वह, या वांटेड और दबंग जैसी फिल्मों में एक्शन में गदर मचाना। सलमान खान ने हर जॉनर को में खुद को साबित किया है। उनका समय के साथ ढालना और नए नए रोल को निभाना ही इतनी लंबी जर्नी तय कर पाया है। सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अंतिम, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, दबंग, रेस 3, रेडी, वांटेड, किसी का भाई किसी की जान, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम से लेकर सुल्तान जैसी फिल्मों की यादें होती हैं। साथ ही वीडियो में आपको उनकी फिल्मों के लोकप्रिय डायलॉग भी सुनने को मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, यह 35 साल ऐसे बीत गए जैसे 35 दिन हो। सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्टर के पोस्ट को पढ़ने के बाद उनके सारे फैंस कमेंट बॉक्स में खुद कूद पड़े। सब उनकी जमकर तारीफ करने लगे और प्यार जताने लगे। सलीम खान के लाडले सलमान खान एक्टर बनने से पहले सफल मॉडल हुआ करते थे। एक वक्त वो भी था जब उन्होंने एक्टिंग डेब्यू करने से पहले ताज होटल में बैकग्राउंड डांसर का काम भी किया था। उस दौरान उन्हें पहली बार 75 रुपये की सैलरी मिली थी। वैसे सलमान खान ने साल 1989 में आई फिल्म बीवी हो तो ऐसी में डेब्यू किया था। सलमान खान यह नाम आज की तारीख में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का किंग है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि सलमान को पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी में रोल इसलिए मिला था क्योंकि उसे सारे एक्ट्रेस ने करने से मना कर दिया था। सलमान खान यह नाम आज की तारीख में बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का किंग है, लेकिन सलमान खान को बीवी हो तो ऐसी में रोल क्यों मिला? सलमान की डेब्यू फिल्म 1989 में आई थी, मैंने प्यार किया मानी जाती है, लेकिन इसके पहले भी 1988 में आई थी बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म में अपने रोल के बारे में सलमान खान ने टीवी शो दस का दम में खुलासा किया था। सलमान खान ने बताया, मैंने बीवी हो तो ऐसी फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जेके बिहारी से कई साल पहले यह सवाल किया था कि आपके पास इतने बड़े एक्टर थे फिर भी आपने मुझे काम क्यों दिया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सब ने रोल के बारे में सुनकर काम करने से मना कर दिया था। जब मैं हीरो की तलाश करते करते थक गया तो मैंने तुम्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था। सलमान ने कहा, मैं कई सालों तक यही सोचता रहा कि मैंने वो रोल अपने स्टाइल और अंदाज से हासिल किया है, लेकिन बिहारी जी ने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। बता दें, 1988 में आई बीवी हो तो ऐसी फिल्म में रेखा, फारूक शेख और बिंदु जैसे बड़े कलाकार लीड रोल में थे। इस फिल्म में सलमान खान के रोल को आवाज़ भी किसी दूसरे कलाकार ने ही दी थी। इस फिल्म में सलमान को लोगों ने पहचाना भी नहीं। यह किस्मत की बात है कि एक साल बाद मैंने प्यार किया फिल्म का ऑफ़र सलमान को मिला। यह फिल्म सलमान की फिल्मी सफ़र की ऑक्सीजन की तरह काम आ गई। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी दमदार बॉडी और हैंडसम लुक से 25 साल के युवाओं को मात देते हैं। उनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है।
उन्हें देखकर भले ही यकीन ना हो, लेकिन आज उन्होंने हिंदी सिनेमा में 35 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सलमान खान फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें एक वीडियो में भाईजान का यह पूरा फिल्मी सफ़र दिखा गया है। सलमान खान के फैंस के लिए यह वीडियो किसी सरप्राइज़ पैकेज से कम नहीं है। इंस्टाग्राम पर प्रोडक्शन हाउस ने कैप्शन के साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर की है, सिनेमा के साथ सलमान खान के रोमांस के 35 साल, एक्शन से भरी जर्नी और विरासत जो जारी रहेगी। इंडस्ट्री में उनके 35 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सलमान खान फिल्म्स ने एक वीडियो असेंबल पोस्ट किया है, जिसमें शुरुआत से लेकर वर्तमान तक उनकी पूरी जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें उनकी फिल्मों का सबसे आइकॉनिक फिल्मों जैसे प्यार किया तो डरना क्या, वांटेड, दबंग, सुल्तान, बॉडीगार्ड और टाइगर की क्लिप्स शामिल हैं, जिसमें उनके कुछ सबसे पॉपुलर डायलॉग की क्लिप भी है। दबंग स्टार 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी में सपोर्टिंग रोल के जरिए भारतीय मनोरंजन उद्योग की दुनिया में अपनी जर्नी शुरू की थी, लेकिन एक्टर को फिल्म मैंने प्यार किया से लोकप्रियता मिली। इसके बाद उन्होंने करण अर्जुन, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर वन, हम दिल दे चुके सनम जैसी कई अन्य फिल्मों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने बॉडीगार्ड, दबंग, टाइगर, वांटेड, किक समेत कई अन्य फिल्मों में लोगों के दिलों में जगह बनाई। सुपरस्टार एक सफल निर्माता भी बन गए और उन्होंने साल 2011 में सलमान खान फिल्म्स की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने चिल्लर पार्टी जैसी फिल्में बनाई, मैंगो ब्लॉकबस्टर, बजरंगी भाईजान, जिसने ना केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं भी मिली। सलमान की हाल ही में फिल्म किसी का भाई किसी की जान बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। उनकी एक्शन संपई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है, जो दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।